Hey guys, जो और वॉचिंग लफर गेमिंग चैनल, और इस चैनल पर मैं गेमिंग से रिलेटेड टॉपिक्स और गेम की स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं शॉर्ट स्टोरी सुनाने वाला हूँ असैसिन्स क्रीड 1 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेसमंड माइल हमें दिखता है, जो कि 12वीं सदी के अपने एनसेस्टर अल्ताइयर इबन ला अबद की मेमोरी को रिवील करता है। और जो अल्ताइयर है उसे एक मिशन दिया जाता है कि वो एप्पल पीस ऑफ एडन को एक टेम्पलर रॉबर्ट द सेलर से लेके आए। लेकिन जो अल्ताइयर है वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाता और असैसिन ब्रदर की बात भी नहीं मानता और 3 असैसिन रूल तोड़ देता है। फिर एप्पल पीस ऑफ एडन उसका कोई असैसिन ब्रदर ले आता है, और फिर जो अल्ताइयर होता है उसे अलमुअलिम, जो कि असैसिन का लीडर होता है, और उसे अपने सीनियर रैंक से बिगनर रैंक पे रख देता है। और अल्ताइयर को बोलता है कि वो अपनी रैंक को मतलब बचाने के लिए 9 टेम्पलर्स को मारे, और एस जो अल्ताइयर होता है 9 टेम्पलर्स को मार देता है। और जब वो रॉबर्ट द सेलर को मारने से पहले रॉबर्ट द सेलर उसे बताता है कि एप्पल पीस ऑफ एडन की पावर को जो कंट्रोल करना चाहता था अलमुअलिम, तो इसके बाद जो अल्ताइयर होता है वो फिर अपने असैसिन ब्रदर के पास जाता है। लेकिन असैसिन ब्रदर अल्ताइयर को ही मारना चाहते हैं क्योंकि अलमुअलिम ने सबको कंट्रोल कर लिया है। अल्ताइयर उन सबको मार देता है और एंड में अलमुअलिम के पास जाता है। अलमुअलिम उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस पावर से इम्यून जो अल्ताइयर होता वो उसे मार देता है अलमुअलिम को। और बाद में जो एप्पल पीस ऑफ एडन को तबाह करने की कोशिश करता, अपन जो एप्पल पीस ऑफ एडन वो तबाह नहीं होता और अल्ताइयर को बता देता है एप्पल पीस ऑफ एडन कहाँ कहाँ पर है सारी दुनिया में। और फिर इसके बाद जो डेसमंड माइल उठ जाता है और उसे जो एस्ट्रागो इंडस्ट्री वाले बताते हैं कि अब हम तुम्हें मार देंगे, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ से मॉडर्न डे असैसिन्स उसे बचा लेते हैं और उसे एक नया एनिमस दिखाते हैं जो कि असैसिन्स ने बनाया है, और उस पर लिटा के वो उसे सिर्फ एक दिन में ही असैसिन्स बना देते हैं। तो यही थी असैसिन्स क्रीड 1 की स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय।